आज लाल जी प्रथम गौचारण करने के लिए गए और वह गौचारण का स्वरूप इतना सुंदर, गैया चरा करके लाल जी आए। अब गैया चराने भी ठाकुर जी जाते रहते हैं, आज हमने कही थी गोवर्धन लीला तक पहुंच जाएं। तत्पश्चात अघासुर के वध का प्रसंग आया। अघासुर नाम का एक दैत्य सर्प के रूप में आकर के बैठा है। भगवान अपने सब ग्वाल बालों के साथ छाक लीला करने के लिए वन में जाते हैं। अघासुर एक विशाल मुख खोल करके बैठा था, लगा कि कोई गुफा होगी, सब लोग घुस गए भीतर। जैसे ठाकुर जी ने प्रवेश किया उसने मुख बंद कर लिया, विष उगलने लगा, सब ग्वाल बाल तो मूर्छा में चले गए। ठाकुर जी ने उसके कंठ में जाकर के अपने विशाल शरीर को फुलाया, बीच में से उसका भेदन हुआ और सब ग्वाल बाल महाराज चिटिक करके यमुना जी के तट पर पहुंचे। भगवान ने कृपा दृष्टि से देखा तो उनकी मूर्छा दूर हुई, पर सब ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने ये बात अपने अपने घरों में एक वर्ष बाद बताई कि आज लाला ने सांप मारो। क्यों? बोले बीच में ही ब्रह्मा जी की मति घूम गई और वो ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी छाक लीला कर रहे थे, सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके उनके घर की सामग्री, अभी हम पंढरपुर गए थे तो पंढरपुर में छाक लीला को कहते हैं गोपाल काला। क्या कहते हैं? काला का मतलब होता है मिक्सचर। जैसे जे अचार लाए, महाराज जी कढ़ी लाए, जे आलू की सब्जी लाए, कोई भिंडी की सब्जी लाए, कोई रोटी लाए, कोई छाछ लाए, कोई दही लाए, अब सबन की सामग्री लेकर के एक घड़ा में ही सबरी मिला दी, जे कहेगो गोपाल काला, छाक लीला। ठाकुर जी ऐसे ही करें और सही बताऊं इतनो आनंद आवे, आज भी ब्रजवासी ऐसे ही पामे भोजन। क्या करेंगे? रोटी लेंगे, मोटी मोटी हाथन की बनी रोटी, बाम बीच में सब्जी डाल देंगे, वही में चटनी डाल देंगे और फिर वही में अचार डाल देंगे और फिर ऊपर तो वही में दही डाल देंगे या छाछ डाल देंगे और टमाटर काट काट के वही के ऊपर डाल देंगे, हाथन ते पूरी मीड मीड करके बढ़िया बना के फिर पामे, ऐसे ही पामे। मैं तो मोम पानी आ गो भाई, आज ही पाऊंगा ऊपर जाके। अच्छा एक और बात है, यहां में नई नवेली बनी भाई सिकी भाई रोटी नहीं, बासी रोटी, रात की रोटी सुबेरे ले जामे खेतन में जाके ऐसे ही पामे। वहां के बाद एक चीज होवे, बोलका आलस बहुत जोर को आवे, नींद आवे बहुत जोर की। लेकिन आज भी ब्रजवासी कभी कभी ऐसे, हमारे दादा बाबा जो है काहे सब ऐसे ही पायो करते, मैया कभी कभी पावे मन बन जाए तो इतना आनंद आवे। सो ठाकुर जी ऐसी छाक लीला करें, सबन सो सबन की सामग्री एक जगह मिला लेंगे, यूं ना देखेंगे कहाँ का जो मिले सबरो मिला देंगे, वहां को रोटी इनको मीड़ मीड़ करके सबरी सामग्री ऐसे करके, और महाराज ठाकुर जी मधुमंगल खिला रहे हैं, मधुमंगल ठाकुर जी खवा रहो, अरे बड़ो खा रहो दारी के मुँह खवा, ऐसे एक दूसरे तो ये ज्यादा खा रहो या कि छीन लो, ऐसे करके सब ग्वाल बाल सब कर रहे हैं। बड़ी सुंदर छाक लीला के इतने सुंदर सुंदर पद हैं। मीठो मदन गोपाल आज दे दी, मीठो मदन गोपाल ऐसो दही हम कब हुना चाखो, सुन गोकुल के नाथ आज दे दी, मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी सबन को दही बांट रहे हैं अपने हाथन से, बोले मीठो काई को हैगो ऐसा सुंदर। बोले जैसे ठाकुर जी एक को दही दें और दूसरों पीछे तैयार हो, एक चंद्रावली का पद सुनाओ, हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। नंद लाडले ने घेर लई, नंद लाडले ने घेर लई, एक चंद्रावली सखी हुई, वो कह रही है बोले आज मुकु नंद लाला ने घेर लई। सबरी गोपी बोली एरी तो ये काई को घेर है, तेरे आगे भी कई गोपी चले दही लेके, तेरे पीछे चले तो ये काई को घेर है, तू हमें लगे हमारे बीच में आके बात बनाती दिखे, हमें चिड़ावे के काजे की तो ये घेर है लाला तो। अरे ना बात ना बना रही, सांची कह रही हूं मो ये घेर ले। बोले काई को घेर है?
बोले मैंने वो कही लाला जे आगे गोपी जा रही पीछे आ रही इनको दही काय को ना खावे मोते काय को मांगे। सो चंद्रावली बता रही है सखियन ने, लाला कह रो है कहा अगली को पत्रो पिछली को बासो बीच की मेरे मन में बस गई नंद लाडले ने घेर ले। आगे वारी को पत्रो दही है पीछे वारी को बासो दही है, तेरे दही की सुगंधी बहुत जोर की, मैं तो तेरा ही दही चाहिए। बोले अच्छा तो फिर तेने कैसे दियो दही? चंद्रावली बोली हम्बे ऐसे दही दूंगी मैं? बोले मैंने उन्हें एक अपनी बुद्धि लगाई, मैंने कि लाला जो तू कान्हा दही को भूको हाथ में खावे को। बोले हम्बे हाथ में लूंगा। अरे रम तेरे सन्ने हाथ इनमें गोबर लग रहा मट्टी लग रही, एक काम कर तोड़ ला पतुआ तो ए प्या दूंगी दही नंद लाडले ने घेर ले। लाला देख ऐसे बड़े बड़े पत्ता है ऊपर वृक्ष पे, चल जा ऊपर से तोड़ ला पत्तान को ऐसे दोना बना लियो मां मैं दूंगी। सखी बोली अच्छा फिर का भयो? बोले 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा, जैसी 80 हाथ ऊपर चढ़े ठाकुर जी सोई सिंग दिखा गई चंद्रावली गुजरी नंद लाडले ने घेरे। जैसे ठाकुर जी ऊपर चढ़े, अरे चंद्रावली सखी कौन सा पत्ता लाऊं? ने बताए थे कौन सा लाऊं? चंद्रावली बोली ले ले पत्ता जा रही हूं मैं तो, और लेके मटकी चंद्रावली भाज गई। जब तक ठाकुर जी नीचे आते वो तो गई महाराज। बड़ी सुंदर लीला है चंद्रावली लीला। फिर दूसरे दिन ठाकुर जी सखी बन के गए वाके यहाँ। अच्छा मुए छलेगी, अब बड़ी लीला है। ठाकुर जी सखी बन के गए और चंद्रावली के द्वारे खटखटाने लगे। चंद्रावली भीतर थी बोली कौन है? अरे तेरे काम ते आई हूं खोल दे। ठाकुर जी भीतर घुस गए। अब चोरी तो बनवे में नेक देर लगा में लाल जी, सोई चुनरी उनरी ओढ़ के बढ़िया सुंदर बन के गए और जाते ही बातें कहें हम तेरे गांव ते आई हूं। चंद्रावली कहें पहले तो कभी सुनी ना, अने मोड़ो तो दिखाए थे। बोले ना है मेरे यहाँ नियम ना है सो कोई को मुख ना दिखाऊं। वाके घर को भोजन कर लियो पानी कर लियो सब कर लियो चंद्रावली के काज। हमारे नाना जी सुनाते तो बड़े आनंद से, चंद्रावली के काजे बाहर बिस्तर लगा दियो। चंद्रावली ने बाहर बिस्तर लगा दियो, यहीं सो जा। चंद्रावली कक्ष में चली गई। नेक देर बाद ठाकुर जी कक्ष में आ गए, खटखटान लगे। मुको अकेलो ना सोयो जाए, मुको तो वहीं से लाए ले। और जैसे ही माने महाराज कक्ष में बुलाए ठाकुर जी, जैसे ही पौड़े चंद्रावली जैसी नेक सुन लगी सोई ठाकुर जी ने चुनरी फुनरी ऊपर करी हम्बे मुँह छल के जाएगी ले छल लियो तो है आगो में बन करके। चंद्रावली भाजी महाराज यशोदा मैया ते शिकायत कर, बड़ी लंबी बड़ी अद्भुत लीला चंद्रावली की। तो ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं और कोई पत्तल दोना नहीं है, सबन के हाथ में ही दे रहे हैं। और जैसे एक को दें दूसरो आवे में नेक विलंब करे सो ठाकुर जी ने एक चाट लें और झूठो करके फिर दे दें। तब सब रे कह रहे हैं बोले लाला ऐसो दही हम कबहू न चाखो। सबन को बांटते बांटते कछु ग्वाला रह गए और जो रह गए उनकी सब मजाक उड़ाने लगे, अरे तुम तो रही गए हमें तो मिल गो बड़ो मीठो दही है हम ना दे रहे। ठाकुर जी की लगी जे बेचारे रह गए रो रहे हैं पीछे बैठे बैठे। तो पद में आवे जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया जिनको दही नहीं मिलो यहाँ पे आओ। बोले कहा मेरी हथेली चाट लो, ए तू या उंगली को चाट ले, तू या अंगूठा है चाट ले, तू जावारी उंगली चाट ले और यहाँ यहाँ तक दही लग रहो पूरा सबरे चाट ले। अब सबरे ग्वाला टूट पड़े, कोई उंगली चाट रहो कोई हथेली चाट रहो कोई कोहनी तक चाट रहो। अब सबरे जीव निकार निकार के ठाकुर जी चाटे, ठाकुर जी को बड़ा आनंद आवे। और यही दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी बोले राम 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 जी भगवान है ये भगवान है, अरे नेक विचार नहीं कर रहे हैं ये ग्वाला पता ना नहाते होंगे कि नहीं, इनकी जीव से अपने हाथन को चटवा रहे हैं। ये पर ब्रह्म नहीं हो सकते, ये परमात्मा नहीं हो सकते।
कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बह। भैया ये वृंदावन है, यहाँ पर वेदजन्य भगवान जिनको नीति नीति कह करके पुकारते हैं, वे भी अपने सारे नियम कायदे को किनारे रख के प्रेमी बन के रहे। मैं बस